तो गाइस आज के वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ कि आप लोग किस तरीके से अपने साधारण से दिखने वाली नोटबुक या हम लोग जिसे कॉपी भी कहते हैं उस पर आप लोग जो है अपनी फोटो किस तरीके से कस्टमाइज करा सकते हो। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, आप लोग जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो है हम लोग ओपन कर लेते हैं अपने गूगल बाबा को, एंड देन ओपन करने के बाद आपको सर्च बार पर सिंपल सा सर्च कर लेना है क्लासमेट नोटबुक फोटो प्रिंट। देन जैसे आप इसको सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देन आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा, एंड नीचे आने के बाद आपको उनके ऑफिशियल जो है वेबसाइट मिल जाएगी। तो आपको सिंपल सा उस वेबसाइट पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है एक नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है मेरे पास क्लासमेट की जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कितने पेज की कॉपी चाहिए, 140 या 172 पेज की। तो फिलहाल जो है मैं 140 पेज वाले पे क्लिक करता हूँ, एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको दो कलर ऑप्शन मिल रहे हैं, एंड साथ ही जो है आपको वहाँ पर लेंथ भी दिखाई जा रही है कितनी आपकी जो है नोटबुक यानी कापी आपकी चौड़ी लंबी रहने वाली है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड सिलेक्ट करने के बाद अगेन कंटिन्यू कर देता हूँ। एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने तीसरा इंटरफेस ये ओपन हो रहा है जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको सिंपल से पेज वाले चाहिए या जिस पे लाइन बनी हो वो वाले पेज चाहिए। तो मुझे सिंपल से ये लाइन वाले ही पेज चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड क्लिक करने के बाद आप तो देख सकते हो यहाँ पर आपको दो तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप जो ऑप्शन चाहते हो वो आप सिंपल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा जिस पर सिलेक्ट है मुझे वही वाला चाहिए, तो मैं देन अगेन कंटिन्यू करता हूँ। एंड अगेन कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। आप जो है मिनिमम या मैक्सिमम बोल सकते हैं 6 कॉपी ऑर्डर कर सकते हो, उससे ज़्यादा जो उससे मतलब कम आप कॉपी ऑर्डर नहीं कर सकते हो। तो मुझे 6 कॉपी यहाँ पर ऑर्डर करना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। एंड कंटिन्यू करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको जो है टर्म्स एंड कंडीशन बताई जा रही हैं। तो अगेन आप जो है मैं अंडरस्टैंड पर क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अब लास्ट स्टेज आपकी बचती है कि आपको जो जो फ़ोटो प्रिंट करानी है, आपकी 6 जो मैंने नोटबुक बुक कर रहा हूँ तो मैं जो है यहाँ पे 6 इमेज अपलोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको आई एग्री पे क्लिक करना होगा, देन आपका अपलोड इमेज जो है ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो फर्स्ट इमेज जो है मैं इसी को ही यहाँ पर अपलोड करता हूँ। एंड यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अपलोडिंग हो रही है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारी फ़ोटो जो है अपलोड हो गई है। अगर आपको अपनी फ़ोटो बड़ी करनी है तो आप सिंपल सा उस पर क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से जो है इसको खींच कर थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको जो है बड़ा कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो है इसको अच्छे तरीके से फिट कर लिया है, एंड फिट करने के बाद देन हम जो है ये एरो दिख रही होगी आपको, तो सिंपल सा आपको उस एरो पर क्लिक करना है। दूसरी नोटबुक का जो है फ्रंट पेज आपके सामने खुल जाएगा। आपको यहाँ पर भी अपनी एक इमेज अपलोड करनी होगी, तो मैं यहाँ पे दूसरी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैं जो है यहाँ पे पूरी 6 इमेज अलग अलग अपलोड करने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है मैंने 5 इमेज सिलेक्ट कर लिए हैं जिनको मैं जो है प्रिंट कराने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है अपनी 5 इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, एंड 6ठी इमेज जो है मैं आपके सामने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने जो है सिंपल से उसको सिलेक्ट कर लिया, एंड डन कर, एंड देन जो है आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा सेव का। तो आपको सिंपल से इन सारी फ़ोटोज़ को जो है सेव कर देना होगा। तो जैसे आप सेव पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि आपकी जो है कॉपियाँ किस तरीके से फ्रंट से दिखने वाली हैं। तो आपको इसको सारे देख लेना है, एंड देन जो है आपको चेकआउट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपल सा उस चेकआउट वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना होगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो हमारी डिज़ाइन है वो जनरेट की जा रही है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमारा इंतज़ार कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है ऐड टू कार्ट हो चुका है। फिलहाल जो है यहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं किया था, मैं यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से सबसे पहले तो लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। देन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपके बताए जा रहे हैं कि 100 रुपये आपको एक कॉपी का पड़ने वाला है। तो मैंने 6 कॉपी ऑर्डर की है जिससे मुझे जो है 600 रुपये पेड करने पड़ेंगे, एंड यहाँ पर आपको शिपिंग चार्ज भी लग रहा है 80 रुपये जैसे कि आप लोग को ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग इन चीज़ों से एग्री हैं देन आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फ़िलअप करनी होगी। तो मैं यहाँ फिलहाल पे अपनी डिटेल जो है फ़िलअप कर देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे लास्ट प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, देन आपको इसको कंटिन्यू करना है। एंड यहाँ पे आपको जो है पेमेंट जो है ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा ऑनलाइन
तो क्लिक करने के बाद अब आपको जो है प्लेस ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपको सबसे पहले जो है पेमेंट की तरफ ले जाएगा। तो आपको जिस भी मेथड से पेमेंट करनी हो आप सिंपल सा कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लासमेट लिखकर आ रहा है, एंड यहाँ पे आप लोग को पेटीएम वॉलेट एंड जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग इजीली जो है यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद आपको 6 से 7 दिन के भीतर जो है आपकी कॉपी जो है मिल जाएगी। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरीके से मज़ेदार वीडियोज़ आगे पाने के लिए।